अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट सैयद मुबशिर आमिर, आज मौजूद हूँ जुम्मा बाज़ार में और आज लोगों से पूछूंगा कराची की कोई ऐसी चीज़ जो कराची वालों को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो। तो आए चलते हैं अपने पहले बकरे की तरफ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? कराची की कोई ऐसी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? भाई आजकल मेरा बड़ी ठंड बहुत हो रही थी, आजकल पूरा बाजार मुंडा के शर्ट भरे हुए हैं। माशाल्लाह से जाके देखो आप, पैर रखने की जगह ही नहीं है। ठंड में लुंडे का माल बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, वेरी गुड। ठंड में लुंडे का माल मिल जाता है जी जी। और कुछ खाने पीने में? खाने पीने में यही है, मोसम्बी चलनी है, मोसम्बी है, ग्रीन फ्रूट है, संतरा है। मौसमियाँ पसंद है आपको, सिट्रस फूड पसंद है। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। नाम क्या आप? आबिद। आबिद भाई, कराची की कोई एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? कराची का तो मेरे को कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो पसंद हो। मावा खा रहे हैं? मावा नहीं पसंद। ये सबसे बढ़िया नुकसानदेह चीज़ है। तो खा क्यों रहे हैं? ये पान खा रहा हूँ मैं, गुटखा नहीं खा रहा हूँ। पान पसंद है कराची का? जी, सैलून पान पसंद है बस। सैलून पान, ये श्रीलंका वाला? हाँ। कहाँ से मिलता है ये? ढाका और बांग्लादेश से आता है। तो इधर कहाँ से मिलता है, इधर कराची में कहाँ से मिलता है? हर दुकान में मिलता है। है ये महंगा होता है? सेम रेट होता है? महंगा होता है, सबसे ज्यादा महंगा यही है। आम पत्ती वाला पान कितने का? 15-20। और ये सैलून पान? सैलून ही नाम है, क्या नाम? सैलून। सैलून सैलून जी, ये 30 रुपए का पान, डबल कीमत। सही सही, चाय आ गई, पान का आप क्या करेंगे? अब इसके ऊपर चाय भी पियेंगे, पान भी खाएंगे और मजेदार खूब चुस्के लेंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया। इससे पहले, इस टेंशन से पहले, कोई एक चीज़ आपको अच्छी लगती हो सबसे ज़्यादा? सबसे पहले अच्छी लगती थी जब हमने शादी करी थी, उसके बाप ने कराई थी, अब उसके बाद हमें ही भुगतना पड़ रहा है। बेगम पसंद थी पहले? हाँ, पहले बेगम पसंद थी। और अब नहीं पसंद? फिर बच्चे हो गए, फिर खिलाने के लिए टेंशन हो गई, लुगाई को देना 1000-1500 रुपये। शादी करने वाला भी पछता रहा है, नहीं करने वाला भी पछता रहा है, क्या करें? शादी करें या नहीं करें? शादी नहीं करेंगे फिर समझो नुकसान है, सुन्नत भी खत्म हो जाएगी। इस सुन्नत की वजह से शादी करना पड़ती है, लोग बहुत से करके पछताना ज्यादा बेहतर। हाँ, करके पछताओगे वो अच्छा है, अल्लाह भी राजी, बंदे भी राजी। शादी पसंद है कराची में? आपकी शादी हुई है यहाँ पे? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के हालात चल रहे ना, तो अभी आ रहा है इस्तेमाल 9 फरवरी को, अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह इस इज्तिमा को कबूल फरमा और सारे आलम के इंसानों को हिदायत नसीब अता फरमा। आपको कराची में कराची इज्तिमा सबसे ज़्यादा पसंद है? जी हाँ। खाने पीने में? खाने पीने में तो आजकल रोटी इतनी महंगी हो गई है, क्या करे आदमी, दो रोटी खा रहा था उसकी जगह एक रोटी खा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कराची की कोई एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? मेरे बच्चे। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 5। 5 बच्चे हैं? यहीं पैदा हुए कराची में? कराची में पैदा हुए, इधर पैदा हुए, इसलिए आपको अपने बच्चे ही पसंद है? नहीं, बच्चे नहीं, जो चीज़ें औलाद से बड़ी तो कोई नहीं है या नहीं है। और कुछ खाने पीने में या घूमने की जगह में कोई एक चीज़ बताएं जो बहुत पसंद? घूमने की जगह में तो इस टाइम जैसे हालत है, घूमने जैसे बिल्कुल नहीं रहे। हाँ बिल्कुल, हालत बड़े गंदे चल, स्ट्रीट क्राइम वगैरह बहुत 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 भाई बहुत। यहाँ हुकूमत कोई सही नहीं आई है, सब अपने अपने हैं। गरीब आदमी देखो कमा रहा है, खा रहे हैं, जूते बेच रहे खा रहे हैं, हम लोग शुक्र है मालिक का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली? अली नाम है। कहाँ के रहने वाले? एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। मैं मुल्तान से। मुल्तान के? जी। मुल्तान से कराची काम के लिए? जी बिल्कुल। कोई एक चीज़ कराची की जो आपको अच्छी लगी हो मुल्तान के मुकाबले में इधर आके? कराची का रहना, आवाम का घूमना फिरना, रात को बाजार। यार अब नाइट लाइफ कहाँ रही है वो यार, क्राइम वगैरह इतने बढ़ गए। कराची से अलावा हम इस्लामाबाद तक गए, हमें वहाँ मज़ा नहीं आता जितना हमें कराची में मज़ा। ओ, जो मज़ा कराची में है वो किसी में नहीं है, बिल्कुल कहीं भी नहीं है। तो मुल्तान में रहते हैं, लाहौर ज़्यादा करीब है, लाहौर क्यों नहीं गया? लाहौर भी करके आए हैं लेकिन वहाँ इतना कारोबार इधर बेहतर है, उधर इधर बेहतर है काम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? अशफ हबीब। अशफ भाई एक बात बताएं, कराची की कोई एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो या अच्छी लगती है? बच्चियाँ। बच्चियाँ? छोटी बच्चियाँ? नहीं नहीं। कितनी बड़ी? गुड़िया। गुड़िया? गुड़िया कितनी बड़ी? 30 साल। 30 साल? अबे 30 के तो तुम खुद नहीं हो यार, बाकी तुम आगे निकाल देना खुद।
फिरुल्ला क्या सोच रहा है भाई? नहीं नहीं बता, खाने पीने कराची में क्या पसंद है? खाना तो उस्ताद यहाँ का सभी ठीक है, कुछ भी खा लो। और बताओ कराची की कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? लोग, कराची वाले। कराची वाले, दिल वाले। कोई कोई अच्छी बात बताओ कराची वालों। डकैत। हाँ ना, डकैत कराची वाले का है? कराची वाले ही हैं भाई, और कौन है? गैर मकामी बोलते हैं लोग। गैर मकामी नहीं है, कराची वाले ही हैं ये। कभी डकैती हुई है? अभी अगस्त में मोबाइल छीना। मोबाइल छीन गया, उसकी एफ आई आर कटवा के आ रहे हैं। बाइक गई है, बाइक गई है अभी जनवरी में, अभी कल रात में। कल रात में? यही तो बोल रहा हूँ, देखो कितना अच्छा है, टेंशन देते हैं हमें, सस्पेंस एक से बढ़ के एक वो मिलते हैं, ड्रामा सीरियल, मतलब नेटफ्लिक्स यहाँ ऑन चल रहा फुल। अगर सीरीज बने ना कोई, वीआईपी बनेगी। जीटीए चल रहा है इधर फुल कराची में। ये जीटीए वो है जो बना ही नहीं आज तक। बस समझ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कराची में ही रहती हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं से ही बैकग्राउंड है। जी जी। कराची की कोई एक चीज़ जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? कराची का खाना। खाने में क्या? बिरयानी। कराची बिरयानी कहीं नहीं होती। कराची ऐसी बिरयानी कहीं नहीं होती। जी। अगर कहीं बिरयानी जाके खाना हो तो कोई रेस्टोरेंट या कोई जगह? बंस रोड। बंस रोड? हाँ बंस रोड। मटका बिरयानी आजकल बहुत ज़्यादा इन है कराची में, और वैसे भी कराची में हर जगह जो है बिरयानी का अलग ही टेस्ट होता है। कराची जैसे बिरयानी पूरे पाकिस्तान में नहीं होती। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मोहम्मद हारून। हारून भाई कहाँ के रहने वाले हैं? दादू जिला। दादू सिंध, अंदरून सिंध। जी। तो कराची में आके कोई एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो? सबसे ज्यादा अच्छी चीज माँ बाप है। माँ बाप? अच्छा, कराची आने के बाद माँ बाप की याद आई? नहीं, वैसे भी माँ बाप से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अच्छा। और कराची में खाने पीने या इलाके में या लोगों में कोई एक चीज जो ज्यादा अच्छी लगी? कुछ भी नहीं। ये आप क्या बोलते हैं इसको? समोसे, पापड़ी वाले समोसे। स्कूल के बाहर जो है ना मैं खाया करता था। अच्छा, अब क्या रेट चल रहे? अभी 2 रुपए का एक है। अब 2 रुपए का एक है, जब मैं छोटा था तब 1 का 1 मिलता था। 1 के 2 भी खाए मैंने, तो जरा मेरे लिए भी बनाए आप, पैसे देते आप? ठीक है, बनाते हैं। थैली में बनाया या कागज? थैली में बना, कागज में बना। फील नहीं आता है ना यार वो वाला। अच्छा सही है। अब ये बताते क्या ये बताएंगे तो फिर लोग कहाँ से खाएंगे? वो तो फिर घर में बना के खुद खा लेंगे। अच्छा सीक्रेट है ये? बताएंगे नहीं आप? बताएंगे नहीं, बताने बताएंगे तो जो है आपको बताए। आप घर में सारा कमाल इसका है, चटनी का है। चटनी का कमाल है जी। ये चटनी की टेक्निक आप बताएंगे नहीं? नहीं, किसी को भी नहीं बताएंगे जी। अगर बताएंगे तो फिर खुद खा लेंगे, बना के। समोसे कौन नहीं बनाएगा? समोसे एक पीस में कितनी लेकर आते हैं? कितने समोसे लाते हैं? तकरीबन 1500-1400। कोई गिनती नहीं होती। 100 से ऊपर होते हैं? 1000 से ऊपर। 1500? ये 1000 से ऊपर आते हैं एक थैली में जी। अच्छा, और एक दिन में सेल हो जाती है पूरी? बस हो जाती है, तो हवाई रोजी है। अच्छा। कभी खत्म होता है, कभी बच भी जाता है। कितने साल से कर रहे हैं? अभी मैंने शुरू करा है, तकरीबन 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने में सेल अच्छी जा रही है? सही सही, मैं बच्चों का मिल जाता है। ओहो, मवाद डाल दिया आपने टाइट में। असल काम तो यही है। ये ले। बहुत शुक्रिया। अब मैं खा के चेक करता हूँ कैसा है ये। टाइट है, कराची के रहने वाले हैं कहीं और? सर मेरा ताल्लुक लाहौर जिला रहीमयार खान से है, यानी के वहीं। रहीमयार खान एक अलग शहर? जी बस समझे, मैं पंजाब का हूँ, लाहौर। तो आप पंजाब कराची कमाने आए? जी अल्लाह का शुक्र है, एक्चुअली मेरे यहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह हैं सब हैं। ये नहीं है कमाना है, एक्चुअली लाहौर भी बहुत बड़ा शहर है, अल्लाह पाक सबको हर जगह पे रिस्क अता फरमाते हैं। आप कराची में रह रहे हैं तो बताएं कोई एक चीज़ जो आपको कराची की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो? यार बहुत इंटरेस्टिंग आपने जो मुझसे क्वेश्चन करा है, अगर इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो कराची की जो चीज़ अच्छी लगी मुझे वो मेरी वाइफ है यार, क्योंकि वो मेरी वाइफ है ही कराची की। थैंक यू। बस बेगम आपको कराची की मिली है? बिल्कुल यार, क्यों नहीं यार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत नाइस है, बहुत अच्छी, बहुत ग्रेसफुल।
बेगम के ऊपर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे, पहला ऐसा इंसान मिला है। आपको पता है यार आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी औरत, लेकिन बहुत अच्छी औरत है मेरी यार। 10 फोन आ जाते हैं कि आप परेशान तो नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं यार अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। मुझे लग रहा है घर जाना है सही सलामत। मैंने जाना है भाई जाना है। नहीं रियली मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल ट्रस्ट करें आप मेरे ऊपर, मैं सही कर रहा हूँ और ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई लाई चुपड़ी बातें नहीं कर रहा, रियल बात कर रहा हूँ कि वाकई मुझे कराची की बेगमें अच्छी हैं। वाइफ जो है कराची, मुझे कराची बहुत अच्छा लगा, लाहौर भी अच्छा शहर है, तो भाई बेगम सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कराची में आपको। बहुत शुक्रिया।